अभी सीधी पेशाब कांड और इंदौर में दलित भाइयों को पीटने वाली घटना के एक महीने भी नहीं बीते थे कि एक और मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आया है, जिसमें दलित व्यक्ति के शरीर पर एक अन्य व्यक्ति ने मल लगा दिया। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत पंचायत से करी तो पंचायत ने उल्टा आरोपी को सजा देने की बजाय पीड़ित पर ही जुर्माना लगा दिया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज हुआ। शिवराज के राज में दलित आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक महीने में चाहे सीधे पेशाब कांड हो या इंदौर में दलित भाइयों को बंधक बनाकर घंटों पीटे जाने वाली घटना हो, इन सभी घटनाओं से साफ होता है कि मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बाहुल राज्य में आदिवासियों की स्थिति कितनी भयावह है। दलित के साथ अत्याचार का यह ताजा मामला छतरपुर के विकौर गांव का है, जहां नाली निर्माण का कार्य कर रहे देशराज अहिरवार और रामकृपाल पटेल के बीच हंसी मजाक चल रहा था। इसी दौरान देशराज ने रामकृपाल पर ग्रीस लगा दिया। इस बात से रामकृपाल को इतना गुस्सा आया कि उसने देशराज अहिरवार पर मल लगा दिया और उसे जाति सूचक अपशब्द कहे। दोनों का यह विवाद पंचायत पहुंचा, जहां पंचायत ने रामकृपाल के हक में फैसला सुनाते हुए देशराज पर 600 रुपए का जुर्माना लगाया। देशराज ने इस मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रामकृपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खजुराहो SDOP मनमोहन सिंह बघेल ने इस मामले को लेकर कहा कि विवाद के बाद दलित पर मल लगाया गया है, शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। थोड़ा हाथ में लिए थे तो मैं हाथ लगा लिया था, तो धोखे से लग गया था। लैटरिन हाथों में लेके आया था, श्रीमानी लोटा भी लिया था साथ में, तो लोटा में भर के लाया। श्रीमानी शरीर में लपेटे मेरे मुँह में, सिर में और पीठ में, कुछ नहीं के बोला, बहुत बहुत गलत किया है लोगों ने। मामले में आगे जो देशराज अहिरवार है, उन्होंने ग्रीस उठा करके उनके हाथ में लगा दिया, जैसे कि उसको करके रामकृपाल पटेल है वो है, और फिर उन्होंने हाथ में मैला उठा करके उनके पीठ में मार दिया, जिसके संबंध में आज देशराज अहिरवार है थाना में एक आवेदन पत्र लेकर उसके संबंध में अपराध करने का किया था। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस शिवराज सरकार को चारों तरफ से घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में दलित आदिवासी अपमान का घूंट पी रहे हैं। भाजपा हर दिन बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सपने को चूर चूर कर रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।